सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और अगर आप नर्सरी विजिट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो प्लांट्स चले जाते हैं डॉर्मेंसी में विंटर्स में। हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। विंटर्स में पेरेनियल प्लांट्स चले जाते हैं डॉर्मेंसी पीरियड में। डॉर्मेंसी पीरियड का मतलब होता है जब आपको प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, पत्तियां ऐसी दिखती हैं जैसे कुछ इन्फेस्टेशन हो गया है, डल दिखेंगी, कोई शाइन नहीं होगी, कोई नई ग्रोथ नहीं दिखेगी, नई शूट, नई लीव्स कुछ भी नहीं ग्रो होती हैं, तो वो टाइम होता है जब प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पर प्लांट को उसकी फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखता है और वापस जब स्प्रिंग सीजन में वेदर कंडीशन उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं तो प्लांट में ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर पेरेनियल्स क्या होते हैं, तो पेरेनियल्स और एनुअल्स पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के जल्दी ही आऊँगी, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पेरेनियल्स वो प्लांट होते हैं जो इन जनरल 3 साल से ज़्यादा टाइम तक ग्रो करते रहते हैं। मतलब वो सीजनल प्लांट्स नहीं होते हैं कि सर्दियों के फ्लावरिंग वाले प्लांट हो गए, आप खरीद के लाए और वो 2-3 महीने तक फ्लावरिंग देते हैं और फिर वो मर गए, तो वो होते हैं एनुअल्स। पेरेनियल्स ऐसे प्लांट जो सालों साल ग्रो होते रहते हैं, विंटर्स में डॉर्मेंसी में जाएंगे, उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलने पे वापस वो ग्रो करते हैं और उनसे आप बहुत सारे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि वो प्लांट्स जो समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं या फिर मॉनसून में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स यूजली विंटर्स में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो अगर आप वो पौधे इस वक्त खरीद के लाएंगे, हो सकता है आपको नर्सरी पे वो बहुत अच्छे रेट में मिले, सस्ते में मिले, लेकिन आपको वो पौधे नहीं खरीदने हैं क्योंकि उनकी केयर इस टाइम पर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर वो पौधे मर गए। तो हम आज ऐसे ही 15 प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी विश लिस्ट में होंगे। कॉमन प्लांट्स हैं, हाउस प्लांट्स हैं, तो उनको आपको नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है जब तक स्प्रिंग का सीज़न वापस नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं वो लिस्ट। लिस्ट में सबसे पहला प्लांट मैं बोलूँगी एक्वेटिक प्लांट्स, चाहे वो लोटस हो, वाटर लिली हो, वाटर लेटस हो या कोई और एक्वेटिक प्लांट्स। विंटर्स में ये प्लांट्स डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। इस वक्त इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कभी कभी पत्तियां इस तरीके से दिखने लगती हैं जैसे उसमें कुछ पेस्ट अटैक हो, इन्फेस्टेशन हो। तो आपको इस वक्त हो सकता है एक्वेटिक प्लांट्स सस्ते भी मिले, लेकिन आप अभी मत खरीदें क्योंकि ये प्लांट्स बिल्कुल डेड दिखेंगे और उनको बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विंटर्स में। लिस्ट में दूसरा प्लांट फाइकस है, फिर चाहे वो ग्रीन वेराइटी वीपिंग फिग की हो या फिर वेरीगेटेड वेराइटी स्टारलाइट की हो। विंटर्स में इसके पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं और आपको देखने में लगेगा कि आपका पौधा पूरा सूख गया है, सिर्फ स्टेम्स और ब्रांचेस ही दिखती हैं, लेकिन स्प्रिंग आते आते उसमें वापस से पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है जेड की वेराइटीज़ में, फिर वो चाहे एलिफेंट बुश वेराइटी हो या फिर क्रेसोला ओवाटा। पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और सिर्फ स्टेम्स ही ज़्यादा दिखती हैं, कोई खास नई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, प्लांट बिल्कुल स्टंट दिखता है क्योंकि वो डॉर्मेंसी में होता है। लिस्ट में अगला प्लांट है मनी प्लांट या पोथोस। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि आपके मनी प्लांट में के पत्तों में शाइन नहीं है, काफ़ी सारे पत्ते उसके पीले होके झड़ रहे होंगे और जो पत्ते उसमें बचे हुए हैं ग्रीन वो भी बिल्कुल डल से दिख रहे होंगे। और बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइम पे मीली बग अटैक की। तो अगर आप मनी प्लांट का पौधा खरीदने का सोच रहे हैं तो उसको आप कुछ समय के लिए डिले कर दें, स्प्रिंग या मॉनसून में ही खरीदें। लिस्ट में अगला प्लांट है प्लूमेरिया यानी चंपा या फिरंगी पानी, इवन इसके नाग चंपा वेराइटी, ये सारे ही प्लांट्स विंटर्स में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। पत्तियाँ पीली होके झड़ जाती हैं और कभी कभी पूरे प्लांट में एक भी पत्ती नहीं दिखती है, सिर्फ शूट्स नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि प्लांट डेड है। लिस्ट में अगला प्लांट है फर्न्स, फिर वो चाहे फिश टेल फर्न हो, बॉस्टन फर्न हो या फिर एस्पैरेगस फर्न हो। ये प्लांट सर्दियों में बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, प्लांट बिल्कुल स्टंट दिखता है और प्लांट में कोई चमक नहीं दिखती है, प्लांट डल सा दिखता है। ये पौधे ट्रॉपिकल वेदर में ग्रो करने वाले पौधे हैं, इनको थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और नमी ज़्यादा चाहिए होती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और सर्दियों में ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है रॉकवीड, जिसकी पत्तियाँ लेमन ग्रीन कलर की
शाइन करती हैं साल भर, लेकिन सर्दियों में ये पीली पीली सी दिखती हैं, डल दिखती हैं और इसकी पत्तियां झड़ती रहती हैं येलो होकर के, क्योंकि ये प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है और ये पौधा गर्मियों में और मानसून में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट प्लांट है होली बेसिल या तुलसी का पौधा। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में इसके पत्ते झड़के गिरते रहते हैं और पौधा काफ़ी हल्का सा दिखने लगता है, घना बिल्कुल नहीं होता है, नई शूट्स नहीं निकलती हैं, नई पत्तियां नहीं निकलती हैं और आपको लगता है कि पौधा मर रहा है या सूख रहा है, तो ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है इस वक्त। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए इस पौधे को ऊपर से हल्की सी लेयर किसी कपड़े की या किसी शीट की डाल दें शाम में रात में, जिससे ओस और ज़्यादा ठंड इस पर ना पड़े। नेक्स्ट प्लांट है कैलेडियम। बहुत सारे वेरिगेशन में इसकी पत्तियां आती हैं, बहुत खूबसूरत पौधा है ये। ये पौधा मॉनसून में ग्रो करता है, बल्ब से ग्रो होता है और डॉर्मेंसी पीरियड होता है इसका विंटर्स में। धीरे धीरे इसके पत्ते पीले होके सूख जाते हैं और कभी कभी ये पौधा पूरा ख़त्म हो जाता है और आपको इसमें एक भी पत्ती नहीं दिखेगी, लेकिन इसका बल्ब ज़मीन के अंदर होता है और जब वापस से मौसम आता है मॉनसून का तो पौधा फिर से ग्रो हो जाता है। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है कैलेथिया। सभी वेराइटीज़ की, इसमें बहुत सारे वेरिगेशन की लीव्स वाला पौधा आता है, तो ये प्लांट भी डॉर्मेंसी में चला जाता है विंटर्स में। समर्स में मॉनसून में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसको भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, विंटर्स में ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है, इसलिए प्लांट की ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्लांट है विंका या सदाबहार। इसमें भी बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और आपने विंटर्स में देखा होगा ज़्यादातर इसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती हैं, फ्लावरिंग भी काफ़ी कम होती है। ये पौधा समर्स में और मॉनसून में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो अगर आप अभी ये पौधा खरीद के लगाएंगे तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मॉन्स्टेरा। आई नो सबको ये प्लांट खरीद के अपने घर में ग्रो करने का शौक होता है और जल्दी इसका पौधा मिलता नहीं है नर्सरीज में, लेकिन ये सही टाइम नहीं है क्योंकि सर्दियों में ये पौधा भी डॉर्मेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट प्लांट है शेफलेरा या फिर अम्ब्रेला ट्री। वेरीगेटेड हो या ग्रीन वेराइटी हो, दोनों ही पौधों में विंटर्स में पत्तियां झड़के गिरने लगती हैं, पीली हो जाती हैं पत्तियां और नई ग्रोथ आपको बहुत कम देखने को मिलती है। ये पौधा भी गर्मियों में और मॉनसून में ही अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए विंटर्स में ये पौधा बिल्कुल ना खरीदें, वरना आपको लगेगा कि आप शायद इसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं सही से, इसलिए अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। लिस्ट में अगला प्लांट है डमकेन या डाइफनबाकिया। ये प्लांट भी जो जितनी आसानी से समर्स में मॉनसून में ग्रो करता है ढेर सारी नई पत्तियों के साथ, विंटर्स में ये भी चला जाता है डॉर्मेंसी में। पत्तियां बिल्कुल डल दिखती हैं, इसमें कोई चमक नहीं होती है और पीली होकर के गिरने भी लगती हैं। लिस्ट में लास्ट प्लांट मैं बताना चाहूँगी स्पाइडर प्लांट। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल आपके स्पाइडर प्लांट में ना तो नई ग्रोथ दिख रही है, साथ ही इसका वेरिगेशन भी बहुत डल दिख रहा होगा, इसकी पत्तियों में कोई चमक नहीं होगी, फीका फीका सा लग रहा होगा, क्योंकि ये भी डॉर्मेंसी में चला गया है। थोड़े टाइम वेट करें, इसका ग्रोथ सीजन आने पे बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये 15 पौधों के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जैसे एग्लोनेमा, टैंगल्ड हार्ट, हिबिस्कस, रेन लिली, जैस्मिन, मॉस रोज, जेड प्लांट, टर्टल वाइन, एडेनियम, ड्रेसिना, स्नेक प्लांट और फिडल लीफ। और भी बहुत सारे प्लांट्स मैं लिस्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं, वो भी प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो वो भी आपको नहीं खरीदने हैं इस वक्त। इसके अलावा मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था कि विंटर्स में आपको अपने पेरेनियल्स की कैसे केयर करनी है कि वो इस दौरान मरे नहीं, सूखे नहीं और वापस सीज़न आने पे वो रिवाइव हो सके, तो वो वीडियो ज़रूर चेक करें, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस लिस्ट में अगर मैंने कोई नाम मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।